आज हम फुलफिल करने जा रहे हैं वन ऑफ माय बिगेस्ट ड्रीम्स. यस, वी आर गेटिंग आवर ओन कार. लेकिन अभी तो मैं शूट कर रही थी इसलिए मैं ये आउटफिट में हूँ. मैं बस चेंज करती हूँ, तब तक आई टेक यू टू अ फ्लैशबैक ऑफ द डे जब हम कार्स देखने गए थे. आज है दशहरा एंड आज के दिन डिलीवरी मिलना हमको किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बस कल ही पता चला कि मिल रहा है. एंड द टाइम टू रीच देयर वाज 3 PM एंड 2:58 PM हो चुका है ऑलरेडी और हमने किसी ने लंच नहीं किया है, तो मैं फटाफट जाकर खाना खाती हूँ. फिर आई सी यू इन द कार, नॉट द न्यू कार, द एग्जिस्टिंग कार जिसमें हम लेने जा रहे हैं न्यू कार. ये है मेरा आउटफिट. मुझे एक्चुअली ट्रेडिशनल पहनने का सोचा था मैंने, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ क्लासिक एंड बड़े दिनों में मुझे क्लासिक ही पहनना है, तो आई वोर वन ऑफ माय फेवरेट्स वाइट टी. करेंटली मुझे वाइट बहुत पसंद आ रहा है विद डेनिम एंड ये शूज मैंने बचा के रखे थे कि मैं आज के दिन पहनूंगी. एंड बैग बैक एंड मास्क है, एक्स्ट्रा कैमरा का बैटरी है, सब है, तो लेट्स गो. इतनी जल्दी आई हैव नेवर फिनिश्ड माय फूड. आई फिनिश्ड माय होल सब इन 10 मिनट्स टुडे इन ट्रू रसभरी स्टाइल. पापा, मम्मी, आधा घंटा लेट है, बट आई इन्फॉर्म्ड माय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देर के हम लेट है, तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मिल जाएगा. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जाते हैं अभी, देखते हैं. दिस इज सो फ्रिकिंग एक्साइटिंग, मेरे को तो कुछ हो रहा है. What do you feel? I'm kind of sad for Sandro. Such a huge investment. Like all your effort is translating into something. Yeah. And it's really great to watch. See you grow from college to your first scene. To helping, to being there. She's always there. Oh my god, we're about to see it for the first time. Oh my god, oh my god, oh my god. I'll show you the whole thing and the model, why I bought it, kitne mein liya, wo sab baad mein. Abhi to I'm excited, so let me spend time with it and then we'll all do puja and then we'll see. What do you think? It's so good and it's so comfortable. It's such a big car. It looks very sleek on one side. So we have this thing where I constantly kept telling her that Himani bahut chota hai, doesn't look as big as the photos. Yeah, it's bigger. बस आप लोग ऐसे ही सभी बच्चे मेहनत करो और आगे. First time sitting in the driving seat. Woohoo! Just realized my phone is the same color as the car. I'm such an orange person. अभी number plate लग रहा है. That is the final step. Then we'll go. Oh my god, we're driving it for the first time. Okay, I'm slightly nervous. Oh my god. Okay, well, everyone's so scared. We wish you all the best. Thank you, auntie. Bro, I'm second floor. Mom, enter. That is our car. This is our car. Okay, तो गाड़ी कलेक्ट करने के बाद मैं और हिमानी संतरू, मतलब हमारी मतलब द कार दैट हिमानी एंड भाविक ओन दैट दे हैड लेंट मी फॉर 3 months, उसके बारे में और बताती हूँ. उसमें हम थोड़ा घूमने गए थे एंड मॉम डैड एस्प्रेसो में घूमने गए थे एंड अभी फर्स्ट टाइम मैं और मॉम अकेले जा रहे हैं ये कार में. तो पापा आपको लेके गए थे, तभी आपको कैसा लगा था? जब भी पापा लेके गए थे बहुत अच्छा लगा. एक बार ये भी हुआ थोड़ा सा, क्योंकि उनको आदत नहीं है ऑटोमेटिक कार का, तो गलती से बाय मिस्टेक पाँव कहीं और लग गया तो ब्रेक लग गई. बट इट वॉज वेरी कम्फर्टेबल और बहुत खुशी हुई. फर्स्ट टाइम कितने शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, गरबा का विसर्जन करने जा रहे हैं. आज दशहरा है तो दशहरा का विसर्जन होता है, तो यही है हमारी फर्स्ट ड्राइव साथ में. ओके, तो अभी गरबा का विसर्जन हो गया एंड नाउ वी आर गोना टेक द कार टू दद्दू एंड एवरीवन एल्स एट होम, माधव, काका, काकी. तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनके साथ ड्राइव पे जाने के लिए. अभी तक तो बहुत स्मूथ जा रहा है, पता है गियर चेंज नहीं करना पड़ रहा है मेरे को, एकदम ऐसा आ वाला
फीलिंग हो रहा है, सच में एकदम अच्छा लग रहा है। बस इसका हॉल इतना पपलू है ना कि मुझे लगता है कि मुझे कोई सीरियसली नहीं ले। नद्दू कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, मस्त आइडिया, कांग्रेचुलेशंस। तो परिवार वालों को सबका हो गया, तुम बताओ कैसा लगा? मैं वही मैचिंग का टी शर्ट पहन, नहीं अपना ऑरेंज है गाड़ी, और गाड़ी का पॉपुलरिटी तो कितना बढ़ते हुए जा रहा है। जितने भी घूम रहे थे उधर लोग वीडियो निकाल रहे थे गाड़ी का। आंटी कंफ्यूज थी कि मेरी बेटी का वीडियो निकाल रहे हैं कि गाड़ी का वीडियो निकाल रहे हैं। हाय, इट्स एक्चुअली 1 week लेटर। जो आपने लास्ट देखा था वो 1 हफ्ते पहले था जब गाड़ी आई थी, और मैंने जानबूझ के 1 हफ्ते का वेट इसलिए किया क्योंकि मुझे थोड़ा आपको गाड़ी के बारे में मेरा एक्सपीरियंस भी बताना है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर गाड़ी है नहीं एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए हैं। बट फर्स्ट मैं आपको इन डेप्थ अंदर से और बाहर से गाड़ी दिखाना चाहती हूँ। अभी शायद इतने अच्छे से नहीं देखा गाड़ी को खुद, वी गोना गो एंड हैव अ लुक एट इट प्रॉपर्ली। तो दिस इज आवर कार, एंड कार को मैच करने के लिए मैंने ऑरेंज ड्रेस पहना। वैसे तो ये लंबी है, वैसे ये छोटी भी है, स्मॉल मिनी कॉम्पैक्ट कार। पीछे से हैचबैक है, यहाँ पे इट सेज एस्प्रेसो द कार दैट वी वांट। लेट्स गो इनसाइड द कार फर्स्ट, एंड दिस इज द इनसाइड। प्लास्टिक अभी तक सीट से ना उतारने की वजह से नया गाड़ी का फील अभी भी मेंटेन्ड है 1 हफ्ते बाद भी। तो स्टीयरिंग व्हील इधर है, एंड द फन पार्ट इज कि इसका स्पीडोमीटर इधर है सेंटर में, एंड वो भी डिजिटल है। मैं चालू करके बताती हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए ब्रेक दबा के रखना पड़ता है, फिर चाबी घुमानी होती है। एंड हियर यू कैन सी द स्पीडोमीटर, तो ये डिजिटल वाला है, एंड जो गियर है वो इधर है। मैंने बताया ही नहीं कि दिस इज एन ऑटोमेटिक कार, ये मैनुअल और ऑटोमेटिक का मिक्स है, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। इस पे गियर नहीं चेंज करना पड़ता बार बार, तो मुझे ऑटोमेटिक कार ही चाहिए थी बिकॉज मैंने मेरे फ्रेंड की होंडा सिटी बहुत चलाई है जो ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक कार चलाने के बाद मैनुअल में इतना मजा नहीं आता, इसलिए आई पिक दिस वन। तो ये एस्प्रेसो में सबसे हाई एंड वर्जन ही है, लेकिन इससे भी एक ऊपर आता है जो 30,000 ज्यादा एक्सपेंसिव था, पर उसमें सिर्फ एक्सेसरीज थे। जैसे इधर अपना म्यूजिक प्लेयर कैसे नॉर्मल है, वो वाले में टच स्क्रीन वाला था। यहाँ पे ऑरेंज ऑरेंज सर्कल वगैरह था, लेदर के सीट कवर्स आते थे, नीचे का मैट था, बट उसके लिए 30,000 स्पेंड करना मुझे सही नहीं लग रहा था, तो मैंने बिना एक्सेसरीज के टॉप एंड वाली कार ली। यहाँ से जो आर स्टैंड फॉर रिवर्स, एन मतलब न्यूट्रल जो भी गाड़ी खड़ा है, डी मतलब ड्राइविंग मोड, तो ऑटोमेटिक के लिए ये 3 एप्लीकेबल है। जो एम माइनस और प्लस है वो है मैनुअल के लिए। अगर अपन इधर डाल के इधर डाल दिए ना, मतलब ये कार अब मैनुअल में चलेगी। एंड देन व्हेन यू वांट टू इंक्रीज योर गियर, तो आपको प्लस नीचे करना है, डिक्रीज करना है, तो माइनस ऊपर से करना है। और अगर ऑटोमेटिक में चलानी है तो राइट साइड। यहाँ के फीचर्स की बात करूँ तो दिस इज द फैन एंड दिस इज द एसी का कूलिंग। फिर यहाँ पे आता है कार चार्जर का सॉकेट, यहाँ पे बस मैंने हेयर स्प्रे की बॉटल में सैनिटाइजर भर के रखा है। तो कमिंग टू द मिरर, ये मिरर अलग से बिठाया था क्योंकि मुझे रिवर्स के लिए व्यू चाहिए था। मैं शो यू कि इसमें कैसे दिखता है। जैसे रिवर्स शुरू किया ना, इधर व्यू आता है, और फिर नॉर्मल कार्स के जैसे इधर कंपार्टमेंट है। वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इसके विंडोज का खोलने का इधर बीच में है, ये बटन से विंडोज ओपन क्लोज होता है, और इसमें ब्लूटूथ भी अच्छे से कनेक्ट होता है, इफेक्ट भी अच्छी है म्यूजिक की। पीछे का जो विंडो है ना वो मैनुअल है, पर ये मेरे को लेने से पहले पता था। रिमेंबर दिवाली ब्लॉग में आप सेलिंग की मुझे 2 मूर्तियां चाहिए थी, वो इसके लिए थी, पता है कि कार में लगाने के लिए 2 मूर्तियां। सो दिस इज गणपति बाप्पा एंड दिस इज श्रीनाथ जी भगवान। तो सिंस यहाँ पे ना कर्व्ड सरफेस है, तो वी डिसाइडेड टू पुट इट हियर, नॉट एग्जैक्टली ड्राइवर सीट के सामने, क्योंकि वहाँ पे विजन में ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा हो सकता है। ए शाबाश, तो ये हो गई भगवान स्थापना भी। अभी एक छोटा राउंड मार के आता है और फिर घर पे जाके आई टॉक टू यू। हैंड ब्रेक किया नीचे, गियर को डाला डी में, गियर नंबर 1 in D, जैसे ब्रेक रिलीज किया कार चली गई आगे। बहुत हेक्टिक चल रहा है, घर भी सेटअप करने में ऊपर नीचे हो रहा है। बट कमिंग टू द कार, आई एम वेरी 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 हैप्पी विद द चॉइस। टॉकिंग अबाउट द प्राइस, द कार कॉस्ट मी 5.5 lakh rupees अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मैंने पूरा पेमेंट एक साथ नहीं किया है, मैंने EMI पे लिया है, जहाँ मुझे एवरी मंथ कुछ 6,500 या 7,000 rupees भरने होंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years। जो इंटरेस्ट ऑफकोर्स लगा है, तो इंटरेस्ट मुझे 60,000 rupees से थोड़ा ज्यादा लगा है। टेक्निकली द कार कॉस्ट मी 6,15,000 rupees, लेकिन आई हैव 5 years टू पे द रिमेनिंग अमाउंट। हाउ यू कैन बाय योर कार टू, आपको डाउन पेमेंट सेव करना है, एंड वंस आपकी इनकम स्टेबल हो जाए, अराउंड अगर आपकी इनकम 30,000-40,000 हो जाए, आई थिंक यू कैन ऑल्सो बाय दिस काइंड ऑफ अ कार। कमिंग टू द प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द कार, प्रो इज के ऑटोमेटिक में इतनी जगह में ये वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मिली।
एक्चुअली ऑटो लेने गई थी क्योंकि मुझे बेसिक गाड़ी चाहिए यार, मुझे सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए एक बेसिक सी कार चाहिए थी, लेकिन ऑटो मुझे मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी छोटी लगी। तो उसके बाद सीधा एस्प्रेसो आ रही थी फाइनेंशियली, एंड एस्प्रेसो के बाद आ रही थी वैगनार, वैगनार के बाद आ रही थी सिलेरियो, बट एस्प्रेसो वाज डूइंग माय जॉब तो मैंने बाकी दो कार्स के बारे में सोचा ही नहीं। तो कॉन इज कि ये एक हाइब्रिड ऑटोमेटिक है, मतलब ये मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। जो नॉर्मल ऑटोमेटिक कार्स होता है ना, जैसे जो होंडा सिटी मैंने चलाई है, वो बहुत स्मूथ होती है। तो ये कार जब भी ऑटोमेटिक में गियर चेंज करती है तो उसमें वो थोड़ा सा लैग होता है। जो गियर चेंज होता है ना अपने आप, तो आपको फील जरूर होगा अंदर, जैसे मैनुअल में फील होता है। एंड अनदर कॉन जो मेरे डैड ने पॉइंट आउट किया कि द कार इज लाइटर इन वेट कम्पेयर टू बाकी कार। अगर आपने सेडान कार ज्यादा चलाई है, कोई दूसरी कार चलाई है, तो आपको ये कार हल्की लगेगी। मेरे डैड को तो ये टॉय कार लगती है क्योंकि मेरे डैड को कार्स बहुत पसंद है। लास्ट थिंग जो मुझे आपसे बात करनी है कि जब भी आप कोई ऐसा सामान लेते हो ना, लोग आपको जज करेंगे 110%। एवरीबॉडी हु मॉक्स यू, एक ऐसी कार ली है, खिलौने जैसी कार ली है, इट्स सच अ नॉन स्टेटस सिंबल, लाइक इट लुक्स लाइक अ जोक, अगर कोई ऐसा बोलता है ना, जरा सा भी अफेक्ट मत होना, बिकॉज यू बॉट थिंग्स विद योर ओन हार्ड अर्न मनी। अगर कोई आपके पहचान वाला आपका मजाक उड़ाता ना, ऐसा बोलना कि देख मेरे वजह से तेरे पैसे बचे, क्योंकि तुम मेरे कार में बैठ के देख लो, उनको नहीं पसंद आए तो तुम मत लेना है कार, अपने पैसे से अपने पसंद की कार लेना, हम आएंगे उसमें बैठने, ना आपकी दोस्ती खराब होगी बट आप पे भी कोई ऐसे लांछन नहीं उठाएगा कि यू आर अ चीप पर्सन बिकॉज यू बॉट अ चीप कार। छोड़, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ऐसा कोई नहीं है। द पीपल हु क्वेश्चन्ड माय चॉइस वाज ओनली बिकॉज ऑफ सेफ्टी एंड बिकॉज ऑफ द रिव्यूज आई हैड सीन। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे आसपास सारे वेल विशर्स हैं, बट दिस वाज ऑल अबाउट द कार। थैंक यू फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स फुलफिलिंग माई ड्रीम्स। मैंने यूट्यूब एक हॉबी के तौर पर स्टार्ट किया था एंड ऑल चेंज्ड व्हेन आई डिसाइडेड टू ड्रॉ आई एम बैंगलोर एंड टेक दिस अप। एंड अलॉन्ग विद दैट एफर्ट, अलॉन्ग विद दैट डिसीजन, योर support also built exponentially. The faith, the trust, the amount of love that you give me, house wale video ke niche dekh ke hum sab emotional ho gaye the ki it's a real ki itne sare log itni blessings kaise de sakte hain. I don't want to use the words thank you and support ki bahut overuse ho jata hai, lekin I don't know what else to say to you. Main bas wahi good vibes aur blessings aapko dena chahti hu jo aapne mereko diye hai, aur ye relationship hamesha banaye rakhna. Jo bhi chal raha hai, you will be a part of it because you are my family. The name Fam Healy is because it sounds like family, because you are and you always will be. Agar kabhi regular videos dekhne ka time nahi mile, koi baat nahi, mahine mein ek aadh baar aake hi bol dena comments mein, because I do read almost every single comment. So it means a lot to me jab aapka time dete ho aur wo kabhi unnoticed nahi jata. Milte rehna aise hi, aur ye video dekhne mein maza aaya to give it a thumbs up, agar ye video dekhne mein maza nahi aaya to give it a thumbs down, and I will see you in a brand new video very very soon. Until then, goodbye.